दोस्तों मैं वसीम स्वागत वेलकम और खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन वर्ड्स ग्रुप में। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट में अपनी राय या फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दोस्तों आज हम हैं यूपी के बरेली शहर, जिसको बांस बरेली कहा जाता है, उसके नकड़िया पर और वसीम भाई की छत पर, उमरिया रोड। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वसीम भाई ये शौक जो है अपना कब से चल रहा है? ये बाप दादा से चला रहा है, हमारे दादा पालते थे पहले। जी तो किस तरीके के कबूतर जो है आपको ज्यादा पसंद है? गर्रे, कलपरे, सफेद। जी जैसे बात करें शहर बरेली की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ देखता हूँ कि हर तरीके की नस्लें यहाँ पाई जाती हैं। जैसे अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा परवाज होती है जिस ब्रीड के अंदर इस शहर बरेली के अंदर, तो वो कौन सी ब्रीड है जो ज़्यादा देखने मिलेंगे यहाँ पर? कलपरे, गर्रे, सफेद मिलेंगे यहाँ पर देखने में आपको। जी आइए दोस्तों दिखाते हैं वसीम भाई कबूतर जो नायाब कबूतर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हर जगह से इंडिया की कलेक्ट किए हैं। आइए दोस्तों, हर जगह बच्चे जाते हैं मेरे भाई। तो आप बच्चे सेल करते हैं? हाँ सेल करता हूँ मैं। तो क्या रिजल्ट रहता है? सब बढ़िया रिजल्ट रहता है, बढ़िया उड़ते हैं लोग, जब ले जाते हैं लोग। जी देखिए दोस्तों एक से एक, तो अगर कोई भी भाई जैसे अगर आपसे बच्चे खरीदना चाहे तो क्या मिल जाएंगे उसको बच्चे? हाँ, मैं तो बेच देता हूँ कोई भी आए मेरी छत पे। अच्छा तो किस तरीके के कबूतर हैं थोड़ा सा बता दीजिए उनके बच्चों का रिजल्ट? सफेद है मेरे पास, कलसरे हैं, बबरे हैं। तो आपने कहाँ कहाँ अभी तक बच्चे दिए हैं? मैंने दिए हैं, अनिस भाई के जाते हैं मेरे। जी दीपू बंगाली हैं उन्हें भी दिए हैं। जी बिक्की है बरेली में उसे भी दिए हैं। जी और गुड्डू भाई हैं काकटोले में, असरानी को भी दिए हैं। जी बहुत जगह दिए हैं मैंने बच्चे, मिस्टर को दिए हैं। जी जी दोस्तों अनिस भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत सी उड़ानों की जीत का खिताब जिनके नाम हमेशा से होता रहा है अब वो खिलाड़ी हैं। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता लेकिन अनिस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है उनके यहाँ से जो उड़ानें हुआ करती हैं, बहुत सी उड़ानों की जीत का खिताब उन्होंने अपने नाम हमेशा से होता रहा है। आइए दोस्तों दिखाते हैं जिन जोड़ों के बच्चे इनके यहाँ से जाते हैं और बहुत बेहतर रिजल्ट रहता है। देखिए दोस्तों आपके सामने तमाम ब्रीडें जो इंडिया के अंदर फेमस हुई हैं वो सारी ब्रीडें वसीम भाई की हैं और इसके अंदर आप देख रहे हैं इसके अंदर कलचोचे भी हैं संभल वाले और कुछ भूरे हैं, कलपरे हैं, गर्रे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ब्रीड हैं। आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि करके तमाम कबूतर, और कोई भी भाई अगर ख़रीदने में इंटरेस्टेड है तो वसीम भाई को कॉन्टैक्ट कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी वाले बच्चे यहाँ से उड़ते हुए इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों आपके आँखों के सामने ये ब्रीड है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फेमस है, ये कबूतर आपको ज़्यादातर हिंदुस्तान के एक टोंक एरिया में ज़्यादा देखने मिलते हैं। अनिस भाई ने कबूतर दिया था इलाके में। जी कहाँ से आया ये कबूतर? ये पता नहीं कहाँ से आया था, अनिस भाई ने दिया था फिलहाल। इसकी आपका शौक करा दें। देखिए दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब आईज है, इसके परों का शौक करा दें। ये वसीम भाई का दोस्तों ब्रीडिंग पेयर है ना, ब्रीडिंग पेयर है, इसके पंजों का शौक करा दें, इसे बाहर छोड़ दें। भाई ने पकड़ के दी। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे वजूद के कबूतर आपके सामने, आप बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं दोस्तों, देसी हाई फ्लायर माशाल्लाह खूबसूरती होती है और परवास बहुत हुआ करती है इस ब्रीड के अंदर। दोस्तों इनमें बच्चों में उड़ान भी बहुत है इनके। कितना उड़ान है इनके बच्चों? ये मेरे पास 10 बजे उस दिन उड़ी थी और 4 बजे पट्टी बैठी बेदम आगे। जी माशाल्लाह इसके परों का शौक करा दीजिए। देखिए दोस्तों मजबूत है दोस्तों, बहुत ही जरूरी हो जाता है किसी कबूतर के अंदर मजबूती होने, इसके पंजों का शौक करा दीजिए। ये भी नहीं रुकेगी अभी। देखिए दोस्तों बहुत मजबूत कबूतर है आपके सामने। दोस्तों ये शौक हम आपको यूपी के बरेली शहर जिसको बांस बरेली कहा जा रहा है वहाँ से करा रहे हैं। और ये मेरे घर के पट्टे हैं। जी क्या रिजल्ट रहता है इनका? इनके भी बहुत बच्चे उड़ते हैं और ये भी खुद भी उड़ते हैं माशाल्लाह। आँख आप देख सकते हैं दोस्तों, पीली आँखों के कबूतर बहुत ही दोस्तों मजबूत हुआ करते हैं। इसके परों का शौक करा दीजिए, इसके पंजे दिखा दीजिए, अंदर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा दिखा दें। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे बॉडी स्ट्रक्चर का, बाहर निकाल दीजिए इसको। ये इसकी मादा है। जी ये पहले दिखाइए, भूरे के संग में उसकी उसी की बहन है ये सारी। जी इसके परों का शौक करा दीजिए। दोस्तों मैं नंबर आपको वसीम भाई का दे दूंगा, अगर कोई भाई उड़ाने उड़ाना चाहता है तो एक बार इनसे कांटेक्ट करें और रिजल्ट आप देख सकते हैं, उसके बाद ही दोबारा बात करें। ये भी नहीं रुकेगी, भाग जाएगी। देखिए दोस्तों
दोस्तों शहर बरेली में बहुत से बड़े बड़े टूर्नामेंटों में इनके ही बच्चे उड़ने के लिए जाया करते हैं। वो कबूतर आपके आंखों के सामने है, यूपी का बरेली शहर जिसको बांस बरेली कहा जाता है, उस जिसके भी बच्चे बहुत उड़ते हैं, ये भी खुद भी उड़ता है जी। माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब खूबसूरती आप देख सकते हैं कबूतर के अंदर। इसके बड़ों का शौक करा दीजिए, इसके पंजे दिखा दीजिए जी, गलुआ जोड़ करके फेमस है मेरा जी जी। छोड़ दीजिए नीचे दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों कबूतर देखिए दोस्तों आप। दोस्तों बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था किसी खिलाड़ी के यहाँ से अब बच्चों का दिलवा दें जी। छोड़ दीजिए बाहर, ये सब घर के बच्चे हैं मेरे पास जी। ये गलुआ जोड़ है पूरा, ये फीमेल है उसकी। इसके पड़ों का शौक करा दीजिए, इसके पंजे दिखाइए। गर्मी में इसके जोड़े बच्चे उड़ते हैं 5-5-6-6 घंटे जी। माशाल्लाह इसको बुर्रा बोलते हैं शायद, बुर्रा कलपुरा जी। दोस्तों ये संबल की ब्रीड आपके आंखों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके की ब्रीड आपको शहर बल्ली में देखने मिलेगी। इसके पड़ों का शौक करा दीजिए, इसके पंजे दिखाइए। छोड़ दीजिए, इधर ही छोड़ दूँ जी। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे वजूद के कबूतर हैं, बाहर निकाल दीजिए इसको। जिसकी मादा इसके पड़ों का शौक करा दीजिए। इसके ही बच्चे गर्मियों में 5-5-6-6 घंटे करके बैठते हैं जी। माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब, निकाल दीजिए। देखिए दोस्तों फीमेल, ये गोल्डन गधा कबूतर है। ये कहाँ का कबूतर है जी? बरेली का कबूतर है जी। ये तो बरेली से ही लाया था मैंने उसे। प्राइस देख लीजिए दोस्तों, इसके पर देख लीजिए। पंजे दिखा दीजिए, भाग जाए। देखिए दोस्तों बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कबूतरों का। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे वजूद के कबूतर हैं दोस्तों। इसके पर दिखाते हैं आपको, कैच पर है दोस्तों। ये ब्रीड जो है ज़्यादातर मैं समझता हूँ संभल एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। ये सब उड़े हुए हैं मेरे कबूतर। क्या रिजल्ट रहा था इसका? ये 12 या 12:30 बदले 2-3 उड़ानों में बैठी है जी। इसमें ये मादा है, ये नर है। इसके अब इसके बच्चे फारूक उस्ताद के पास उड़ना है गुजरात में। उस्ताद फारूक कुरैशी दोस्तों शहर बरेली का एक बहुत बड़ा नाम है, और जाहिर सी बात है दोस्तों जब उस्ताद लोग यहां से बच्चे ले जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। छोड़ दीजिए, ये इसकी मादा है, ये नहीं है, किधर गई? ये भी मेरे घर की पट्टी है, जुमरात वाले 1:30 बजे बैठी है जी। ये कबूतर सेल के लिए नहीं है, सिर्फ इनके बच्चे मिल सकते हैं। बच्चे मिल सकते हैं दोस्तों। कोई भी भाई वसीम भाई को परेशान ना करे कबूतरों के लिए, मैं आपको नंबर इंशाल्लाह दे दूंगा वसीम भाई का, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उड़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो बच्चों के लिए कॉल कर सकते हैं। इसके पड़ों का शौक करा दीजिए, उसके पंजे दिखा दीजिए। जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे वजूद के कबूतर दोस्तों आपके आंखों के सामने। दोस्तों ये यूपी का शहर बरेली है,
और ये जो जगह पड़ती है नकटिया उमरिया रोड है ना वसीम भाई? हाँ उमरिया रोड इसके पर दिखाएंगे, इसके पंजे दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये फीमेल है जो अभी आपको मेल दिखाया था, आप इसकी आईज देख सकते हैं, इसके पर दिखाते हैं दोस्तों आपको, इसके पंजे दिखाते हैं। छोड़ दीजिए, पूछिए यार पूछिए यार, बिल्ली है बिल्ली बिल्ली। दोस्तों ये जो कबूतर रह गए हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इंशाल्लाह, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।